नमस्कार, आप देख रहे हैं नुक्कड़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। पीएम आवास योजना की किस्तें नहीं मिलने पर ग्रामीण परेशान, नहीं हो रही सुनवाई। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया नुक्कड़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 7 SJM के गाँव 11 SJM में पीएम आवास योजना की किस्तों को लेकर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे कच्चे मकान पंचायत द्वारा तुड़वा दिए गए, फिर भी एक किस्त डाल दी गई, लेकिन 3 महीनों से कुछ राजनीतिक कारणों के चलते 5 व 7 घरों की किस्तें रोक ली गई है। वहीं गांव की एक महिला जसविंदर कौर का कहना है कि 3 महीने से घर का सारा सामान बाहर पड़ा है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल का होमवर्क करने के लिए पड़ोसियों के घर में भेजना पड़ता है। बार बार सचिव व सरपंच को भी सूचना दी गई है, अनूपगढ़ पंचायत समिति में भी सूचना दी, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। वहीं गांव के पूर्व सरपंच सुखचरण सिंह स्वामी का कहना है कि गरीबों के साथ इस तरह का बर्ताव निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और लोग बार बार सचिव और सरपंच के घर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। रखे कच्चे खोले है, डिगण वाले होए पे है साहब। साढ़े एडा सानू परेशानी है ना, बहुत साड़ी परेशानी है साहब। किमें करो, थोड़े अगे हाथ जोड़ के साढ़िया मकान देखो तुम, असी मैदान च बैठे, निके निके साढ़े बच्चे है साहब। सानू जिंदगी बर्बाद होगी साड़ी जमा है साढ़े, असं किधर जाइए? कोई जमीन साढ़े एक किला भी जमीन होंगी ता भी असी कोई गहने कोई कुछ करके असी कोई आपका मकान बना के साहब असी बहते, साड़ी जिंदगी बर्बाद है साहब। तुम किमें किमें करके साड़ी सफैस सुनो साहब, तुम बहुत सुनो। मैं तो साहब सत्थ तो ना एडा सा जी घबराया पाया, सत्थों बोलिया भी नहीं जाता साहब। साड़ी बहुत जिंदगी बर्बाद। किन्ने महीने हो गए तुम्हारी किस्त आई? साड़ी किस्त आई नू हो गए साहब, मैं 3 महीने हो गए है ना। अच्छा, हाँ 3 या 2.5 हो गए होने साहब। चल मैं पढ़ी लिखी नहीं इन्ना, मैनू नहीं ध्यान। अच्छा, ये समान वगैरह तुसी उधार लिया सी किसी तो? आ सारा कुछ उधार चक्या, 15,000 किस्तना की बनता साहब। तो जो लोगों का कर्जा हो गया, कोई इट्टा लिया कोई बजरी लिया है, दुकाना से जाके थोन मूँह तो करा देने। जो उधार चक्की बैठे हाँ, आ असी मैदान बैठे पेटियां साड़ियाँ, तो पड़ोसियों के घर समान सिट रखे साहब। असं आलोआ के मची जाने साहब, साड़ी तुम मदद करो, साड़ी गरीबों की सराई करो साहब। असं करिए कि दस किधर जाइए, असं की करिए साहब। सरपंच वगैरह ने जो तुम सूचना की थी इस बारे में किस्त क्यों नहीं आ रही? सरपंच होर सारे सूचना की भी है साहब, हूँ कोई इस ज्यादा गलों का भी चल, मैं एड्डी नहीं पढ़ी लिखी, मैं नहीं ध्यान। तो वो सूचना साहब न की भी है, कहते आवगे साहब। एक किस्त आई है मुड़के साहब, साड़ी कोई किस्त नहीं आएगी, साड़ी बहुत जिंदगी बर्बाद है साहब। हूँ तुम समझो हम तो समान वगैरह बहर पे जी, सारा बहर पे जी, पड़ोसियों के घर पे है, आ टुटे खोल च बैठे हैं। हजी असं आए डरते भी कल मीह झड़ी पैन लग गया तो साहब साढ़े ना होगी। आ मकान है कच्चे साहब, छत्तां डिग आईया पी, उत्ते तरपाला पाइया पी साहब, देखो तुम। हाँ उत्ते तरपाला पाइया पी साहब साढ़े, ठीक ठीक है सर जी। कोई हाल नहीं, 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, साहब ये जो आपके 11 SJM के अंदर जो किस्तों को लेकर विवाद हो रहा है, कई घरों में किस्त नहीं आ रही, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? आप भी सरपंच रह चुके हैं पिछली दफ़ा। मैं पहले तो अनूपगढ़ ज्योति चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारी ग्राम पंचायत के गांव 11 SJM की जो समस्या है पीएम आवास प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, उसकी आपने आवाज़ उठाई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एकदम पात्र परिवार है और हमारे ग्राम विकास अधिकारी और उसके द्वारा इनकी जो जियो टैगिंग होती है वो की हुई है और इनके खाते में 15,000 रुपया किस्त पहले आ चुकी है, लेकिन दूसरी किस्त के लिए इनको 3 महीने लगभग हो गए हैं, अभी तक नहीं आई है। और दूसरे जो इनके साथ वाले थे 143 मकान थे, उनके लगभग सारों की दूसरी और तीसरी किस्त भी आने को तैयार है। तो मैं सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचगणों से और जनप्रतिनिधियों से यही निवेदन करूँगा कि आप वोटों को लेकर राजनीति गरीबों के साथ ना करें, क्योंकि पात्र परिवार है, किसी ने किसी को वोट दिया है, किसी ने किसी को दिया है, तो उनके साथ उनकी जो ये पात्रता है उसको देखते हुए आप पीएम आवास की जो किस्तें रोकी हैं ऐसा ना करें।